धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता सा भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। गुण भेदाद आर्ताद भेदाद वा उत्तरस्माद उत्तरस्माद पूर्व पूर्वा श्रेयायो भवति अन्यस्माद सौलभ्यं भक्तो प्रमाणांतरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वा। देवर्षि नारद भक्ति के भेद बता रहे हैं। उसमें मनुष्य की जैसी प्रकृति होती है उसके अनुसार वह भक्ति करता है, ये बात बताते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक गौणी और एक मुखिया। तो गौणी भक्ति तीन प्रकार की होती है। अब वो तीन प्रकार क्यों होती है इसके लिए बताया कि गुण भेदा मनुष्य के जीवन में तीन प्रकार के गुण देखने में आते हैं। कोई सात्विक पुरुष होता है तो उसको चित्त की शांति ही सबसे प्रिय लगती है। तो वो सोचता है कि ये जो संसार में मोह होता है, राग होता है, द्वेष होता है, बड़े बड़े काम धंधे करने पड़ते हैं, इनमें चित्त को विक्षेप होता है। तो चित्त शांत रहे, मोह न हो गए, राग द्वेष न हो गए, चित्त चंचल न हो गए, इसके लिए चित्त को एक जगह फंसा करके रखना जरूरी है। अगर ऐसी चीज में अपने चित्त को फंसा के रखोगे जो हमेशा रहती है तो जीवन में एक स्थिरता आ जाएगी, एक शांति आ जाएगी। और ये जो छलकती हुई चीजें हैं दुनिया की, जो आज तो भभक उठी, बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर बड़ी मधुर बड़ी मीठी, और कल उनके जाते देर नहीं लगती है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो गए। ये महाराज आजकल संसार में विश्व सुंदरी और राष्ट्र सुंदरी का चुनाव होता है ना, तो वो एक वर्ष तक उस पद पर रहती हैं, दूसरे साल फिर दूसरी का चुनाव हो जाता है कि अब तुम विश्व सुंदरी नहीं हो, अब ये विश्व सुंदरी है ना। वे न तो संसार के विषयों के मोह में पड़ते हैं और न तो उनके कारण राग द्वेष करते हैं, क्योंकि राग द्वेष होगा तो अपने चित्त में ही तो होगा ना। अब समझो एक के लिए एक के दिल में जलन हो रही है, तो जिसके लिए जलन हो रही है उस बावरे को तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए इसके दिल में जलन है, और तुम अपने दिल में जलन पाल रहे हो, आग लगी हुई है तुम्हारे दिल में, तो क्यों अपने दिल को जलाते हो। तो विवेक बुद्धि का काम यही है कि जो सात्विक पुरुष होते हैं सत्वगुणी पुरुष, वो अपनी समूची प्रीति को भगवान के साथ जोड़ देते हैं। नित्य सुंदर, चिर सुंदर, चिर सुकुमार, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, सीता अम्बरधारी, नंद नंदन, व्रज नव युवराज के साथ अपनी प्रीति को जोड़ दिया, मगन हो गए। अब समझो चित्त की शांति के लिए भगवान से प्रेम करना, ये सात्विक पुरुष का लक्षण है। अब कोई कोई ऐसे हैं भाई कि उनको राग ही ज्यादा संसार का प्यारा है, तो कहते हैं अच्छा हे भगवान हम तुम्हारा भजन करते हैं, हमको संसार में हमारे प्यारे से मिला दो,
कोई कोई कहते हैं हमारे दुश्मन को मार दो, है ना। तो सबसे बढ़िया इसमें कौन, तमोगुण से अच्छा रजोगुण और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण, ये उत्तरस्माद उत्तरस्माद पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवते। और दूसरी बात ये बताइए कि भक्ति तीन तरह की, यो कहो कि आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च धर्मदर्शभ। तो एक तो जिज्ञासु है, अब जिज्ञासु जो है वो ये चाहता है कि हमको ज्ञान हो जाए, हम मुक्त हो जाएं। तो मुक्त होने के बाद भक्ति करेगा कि नहीं करेगा? बोले अजी वो तो ब्रह्म ही हो जाएगा फिर। तो ये इसकी भक्ति किस कक्षा की है, जैसे कोई जा करके किसी राजा की, मिनिस्टर की, सेठ की सेवा करे। तो सेवा किस लिए करे कि हमको कोई ऐसी पेंशन बंध जाए कि हमको सेवा तो करनी न पड़े और घर बैठे मौज से खाते रहें, है ना। तो जो लोग जीवन मुक्त होने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं उनकी सेवा में प्रीति नहीं है, उनकी प्रीति तो ये है कि एक बंधान हमारे लिए हो जाए कि हम चाहे जहाँ कहीं रहें, चाहे जैसे रहें, चाहे सोते रहें, चाहे लेटते रहें, चाहे चलते रहें, चाहे खाते रहें, हर समय जो है वो हमको वो ज्ञान, वो मुक्ति, वो जीवन मुक्ति मिल जाए कि हम अनंत काल तक उस सुख का भोग ही करते रहें। बोले नहीं, उसकी अपेक्षा अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ क्या है उसकी तो चर्चा ही छोड़ दो। आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो जो पेंशन वाले हैं उनकी बात छोड़ देते हैं, अब कोई ये चाहते हैं कि हमको तो अर्थ मिले। तो अर्थ चाहने वालों की अपेक्षा जिज्ञासु श्रेष्ठ है और जिज्ञासु की अपेक्षा आर्थ श्रेष्ठ है। कही आर्थ क्या है भाई? असल में आर्थ के हृदय में बड़ी पीड़ा होती है जब वो सोचने लगता है कि ऐसे जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तजी सेवत पुरुष बिराने। पद गोस्वामी जी का कुछ और होगा, कोई सब ढेर फिर हो गया होगा और बात दूसरी। हमारे जन्म जन्म ऐसे बीत रहे हैं, प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तजी सेवत पुरुष बिराने। रघुनाथ जो हैं श्याम सुंदर दशरथ नंदन, इन पर पुत्रों की सेवा करते करते एक नहीं हजारों जन्म बीत गया, करोड़ करोड़ जन्म बीत गया, अभी तक अपने सच्चे पति, सच्चे स्वामी, सच्चे प्राणनाथ रघुनाथ की सेवा नहीं करे। तो जब ये सोचते हैं पीड़ा हृदय को द्रवित करती है, गलाती है। जुगा इतम निमेशे चक्षुषा प्रादृशा इतम शून्या इतम जगत सर्वम गोविंद विरहे में। हे गोविंद, तुम्हारे विरह में हमारी ये दशा हो रही है कि एक एक पलक कलप के समान बीत रही है। मैं क्षण क्षण वर्ष के बराबर, युग के बराबर, कल्प के बराबर बीत रहा है और आंखें वर्षा ऋतु बन गई, चक्षुषा प्रादृशायितम आंसू की झड़ी लग रही है, शून्यायितम जगत सर्वम सारा जगत सूना सूना दिखता है। हे गोविंद, अब तुम्हारे विरह में क्षण भर भी नहीं रहा जाता, आओ प्राणनाथ अब प्राण लागे सियरा। प्राणनाथ पधारो अब मिलो, अब हमारे प्राण शिथिल पड़ गए हैं, सांस की गति मंद हो रही है और क्षण क्षण युग के समान दिख रहे हैं। तो भक्त के हृदय में जब ये पीड़ा जगती है, व्याकुलता आती है,
ईश्वर के लिए हृदय में व्याकुलता का जगना। देखो, समय पर भोजन न मिले तो खाने के लिए मन कैसा व्याकुल होता है, और बच्चा अपना स्कूल से ठीक समय पर घर न लौटे तो हमारा मन उसके लिए कितना उत्सुक, कितना उत्कंठित होता है। कोई मित्र आने वाला हो और उसके आने में घड़ी दो घड़ी की देरी हो जाए तो कैसी प्रतीक्षा होती है, क्षण बाहर और क्षण भीतर। लेकिन जो हमारा जीवन सर्वस्व है, हमारे हृदय का धन है, हमारी आंखों का तारा है, हमारे प्राणों का प्राण है, सचमुच हमारा स्वामी, हमारा प्रभु, हमारा प्रियतम है, उसके मिले बिना इतने दिन हो गए, उसके बिछुड़े इतने दिन हो गए हैं, और हमारी आंख से उसके लिए दो बूंद आंसू भी नहीं गिरते हैं, उसके लिए हमारे हृदय में व्याकुलता भी नहीं होती है, उसके लिए हमारे प्राण तड़फड़ाते नहीं है, ये क्या हमारे जीवन की विडंबना है। तो जब आरती आती है चित्त में, व्याकुलता होती है प्रभु की प्राप्ति के लिए, और ये आवश्यक है। वो जो पहले दिन ये सोच के बैठ जाएगा कि हमको तो भगवान मिले हुए हैं, भैया ये सोच के बैठ जाएगा कि हम ही भगवान हैं, है ना, उसके हृदय का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि उसका हृदय कभी पिघलेगा नहीं, कभी द्रवित नहीं होगा, और जब द्रवित नहीं होगा तो जो गांठ उसमें लगी हुई है पहले से, जो कठोरता, जो कठिनता उसमें पहले से मौजूद है, वो बनी रहेगी। इसलिए एक बार अपने हृदय को पिघलाने के लिए हृदय में आरती आने की, व्याकुलता आने की जरूरत है। तो अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि प्रभो त्वदालोकन मंतरेण, हे प्रभु तुम्हारे दर्शन के बिना ये मेरे दिन बड़े दुखपूर्ण बीत रहे हैं। अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, हा हंत कथम नयामे, तुम्हारे दर्शन के बिना ये दिन बहुत बुरे बीत रहे हैं। हे अनाथ बंधो, हमको अनाथ समझ करके हमारा हाथ पकड़ो। हे करुणा के एकमात्र समुद्र, तुम्हारी कृपा के बिना, करुणा के बिना हमारा उद्धार होना संभव नहीं है। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे दर्शन के बिना मैं अपना ये दिन, अपना ये क्षण, अपना ये समय कैसे बिताऊं? हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासी पदम दृशोर में। हे देव, बड़े खिलाड़ी हो तुम, पर खिलाड़ी हो तो क्या, प्यारे तो हो ना, दैत्य बोले तुम्हारे लिए केवल मैं ही थोड़े ही हूँ, भुवनई के बंधु घर घर तुम्हारे प्रेमी हैं, हमारे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। हे कृष्ण, लेकिन तुमने हमारा चित्त चुरा लिया है। हे कृष्ण, हे देव, हे दैत, हे भुवनई के बंधु, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, चित्त तो हमारा चुरा लिया और चंचल बहुत हो, कच्चा नहीं आते तुम्हारे पास, करुणैक सिंधो तुम करुणा के समुद्र हो, जरूर आओगे। हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासी पदम दृशोर में, वो समय हमारे जीवन में कब आवेगा जब तुम हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाओगे। तो जब हृदय में ये पीड़ा जागती है, ये पीड़ा का जो जगना है, ये बोले कोई कहे कि भगवान कहाँ गए हैं कि रो रहे हो, तो सचमुच भगवान कहीं गए नहीं है, यही है। परंतु क्या तुमको ये अनुभव होता है कि भगवान यही है और हमसे मिल रहे हैं?
और नहीं होता है तो उनकी प्राप्ति के लिए तुम्हारे हृदय में व्याकुलता क्यों नहीं आती है। जैसे कोई चोर होए और महाराज एक पर्दा बीच में पड़ा हो कपड़े का, एक तरफ करोड़ों रुपए की संपत्ति रखी हुई और चोर दूसरी तरफ पर्दे के हो गए, तो उसके मन में जैसे दिन रात ये ख्याल रहता है कि कब मौका मिले और इस कपड़े को फाड़ करके ये सारी संपत्ति हम अपने कब्जे में कर लें। इसी प्रकार जो भगवान के प्रेमी हैं उनके मन में ये रहता है, ये कोई जरा सा पर्दा हमारे और भगवान के बीच में पड़ा हुआ है, कब मौका मिले कि इस पर्दे को फाड़े और इस पर्दे को फाड़ करके भगवान को प्राप्त करना। तो हृदय में जब भगवत विरह में पीड़ा का उदय होता है तब समझो कि हृदय पिघलता है, और जब हृदय पिघलता है तब उसको जिस सांचे में ढाल दो वैसी उसकी शक्ल बन जाती है। यही भक्ति का क्रम है। बिना रोए, बिना व्याकुल हुए, बिना उत्कंठा के कोई इस मार्ग में हसी हसी कंतन पाया, जिन पाया तिन रोए, हसी हसी कंतन पाया। देखो रुपए के बिना तुम जीवन में कितनी बार रो चुके हो कि हाय हाय रुपया नहीं आया, स्त्री के बिना रो चुके हो, पुरुष के बिना रो चुके हो, पुत्र के बिना रो चुके हो, संबंधी के बिना रो चुके हो, मकान के बिना रो चुके हो, दुनिया के लिए बहुत रो चुके हो। इस सब रोने का प्रायश्चित इसी में है कि अब ईश्वर के लिए रोना हो। ईश्वर के लिए रोना हो तो ये जो फूल फूल हुई है जिंदगी में दुनिया की चीजों के लिए रोना है ना, इस भूल का प्रायश्चित हो जाए। इसलिए प्रभु के लिए व्याकुलता आवे अपने चित्त में। चैतन्य महाप्रभु इसको व्याकुल बोलते हैं, व्याकुलता। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज इसको ताप बोलते हैं, ताप। वो ताप होता है ना उनके यहाँ, तो शरीर में लगाते भी है ना ताप, तो मन में भी ताप होवे और शरीर में भी ताप होवे। श्री चैतन्य महाप्रभु के पंथ में व्याकुलता बोलते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज निस्साधनता बोलते हैं। और हमारे तो हाथ पांव शून्य पड़ गए, अब पांव से चला नहीं जाता और हाथ से पकड़ा नहीं जाता और आंख से देखा नहीं जाता, मैं तो निस्साधन होके बैठा हूँ, अब तुम ही कृपा करके आओ तो आओ। शंकराचार्य भगवान इसको मुमुक्षा अथवा जिज्ञासा के नाम से वर्णन करते हैं। वृंदावनी भक्त इसको लालसा अभिलाषा ऐसे बोलते हैं। एक लालसा मन महधारू, बंसी वट कालिंदी तट नट नागर नवल निहारू। एक लालसा मन महधारू, एक अभिलाख लाख लाख भांति लेखियतु, एक अभिलाख लाख लाख भांति लेखियतु। तो वो बोलते हैं अभिलाषा लालसा, अपने प्रियतम श्याम सुंदर को पाने के लिए मन में लालसा, तो अपनी ओर से दीनता, साधन की कमी, असहाय अवस्था और प्रभु की कृपा और पाने की लालसा, ये सब बात जब जीवन में इकट्ठी होती है आर्त भक्ति बनती है। और ये आर्त भक्ति जब जीवन में आती है तब हृदय द्रवित होता है। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान, वीर्याणि लीला तनुभिस्कृतानि। जब श्रवण करते हैं ना, श्रुतस्य द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वे से मनसो वृत्ति भक्तिरित्य विधीयते। जब हमारा मन पिघले और जैसे गंगा जी की धारा समुद्र में गिरती है, जैसे एक बर्तन एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में अखंड धारा के रूप में गिरता है, वैसे जब हमारे हृदय की चित्तवृत्ति अखंड धारा के रूप में भगवान में गिरने लग जाए, बस भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान, जैसे गंगा जी समुद्र में गिरती है वैसे हमारी चित्तवृत्ति भगवान की ओर प्रवाहित होवे, इसके उसको बोलते हैं सर्वे से मनसो वृत्ति भक्तिरित्य विधीयते। भगवान की ओर चित्त वृत्ति का प्रवाह।
श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आया है, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोम्बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहरताम। तो भक्ति योग का यही लक्षण है कि जैसे आप घर में बैठते हैं और बड़ा प्रेम है चित्त में घर गृहस्थी के प्रति, तो एक बार पुत्र की याद आई, फिर एक बार धन की याद आई, फिर एक बार मित्र की याद आई और एक बार कलत्र की याद आई। कलत्र कहते हैं पत्नी को, कलत्र माने पत्नी, मित्र पुत्र ये पित्र इनकी याद आई। अब देखो धारा एक है, इसका क्या अभिप्राय कि देखो प्रेम तो आपका धन से भी है, पुत्र से भी है, मित्र से भी है, पत्नी से भी है, पति से भी है, भाई से भी है, वो बारी बारी से आपके मन में आते हैं। तो प्रेम तो आपका वही रहे जो पुत्र से है, मित्र से है, कलत्र से है, प्रेम तो चित्त में वही रहे, लेकिन पुत्र की जगह पर भी भगवान ही आवे मन में, मित्र की जगह पर भी भगवान ही आवे मन में, स्त्री की जगह पर भी भगवान ही आवे मन में, पुरुष की जगह पर भी भगवान ही आवे मन में, वो जो बहुत सारी चीजें मन में आती हैं, उनकी जगह पर एक भगवान मन में आवे, विषयांतर न होने पावे। धारा प्रवाह का अर्थ है कि मन भी रहे और मन में प्यार भी रहे, परंतु वो प्यार एक बार इसके ऊपर गिरा और एक बार दूसरी के ऊपर गिरा और तीसरी बार तीसरे के ऊपर गिरा, ऐसा न हो करके बार बार वो प्रियता वाली जो वृत्ति है, प्यार वाली जो वृत्ति है, वो बारंबार भगवान को ही विषय करे। शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ, जिस श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बर धारी का ध्यान करके चित्त शांत हुआ, फिर जब चित्त उठे तो वही मुरली मनोहर पीताम्बर धारी श्याम सुंदर, फिर चित्त चुप हो गया, फिर आया सामने तो वही मुरली मनोहर पीताम्बर धारी श्याम सुंदर, बारंबार 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 अपनी चित्त धारा उसी सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार को विषय करे, उसी के चरणों पर वो धारा गिरे, उसी के सिर पर उसका टीका लगे, उसी के गले में अपने चित्त की माला, अपने प्यार का जल बारंबार उसी का पांव धोवे, अपने प्यार का चंदन बार बार उसी के सिर पर लगे, अपने प्यार की माला बारंबार उसी के गले में पड़े, अपने प्यार भरे भुजदंड बारंबार उसी को अपने हृदय से लगावे। जब इस प्रकार चित्त वृत्ति चलने लगती है ना, तब समझो कि अब भक्ति अपनी उत्तम कक्षा की ओर बढ़ रही है। और ऐसे ही तुम मान के बैठ जाओ कि बस बस हम तो अब भगवान ही हैं, तो न तो तुम्हारे दिल को संतोष होगा, है ना, न तो तुम्हारे दिल को संतोष होगा, और न तो ये सोच के बैठ जाओ कि भगवान तो मिले मिलाए हैं। अच्छा, तो भगवान तो मिले मिलाए हैं तो अब करना क्या है? बोले दुकान करना है। हमारे एक मित्र थे छोड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ, वेदांत का सत्संग होता, बहुत प्रबल होता, तो वहाँ तो सब ब्रह्म ज्ञानी ही थे, पचासों सत्संगी जो उनके पास बैठ के सत्संग करते एकांत में, तो सब ब्रह्म ज्ञानी। तो एक ने कहा कि महाराज हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब हमको ब्रह्माकार वृत्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोले कि बेटा जब ब्रह्माकार वृत्ति की जरूरत नहीं रही तो ब्याह ही कर लो, है ना, माने जब भगवान के भजन की तुमको जरूरत नहीं रही, इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि अब हमको भगवान के भजन की जरूरत नहीं है तो संसार में फंस जाओगे, इसलिए भगवान का भजन हमेशा करना चाहिए। इसमें अर्थार्थी होने की अपेक्षा जिज्ञासु होना श्रेष्ठ है, और जिज्ञासु होने की अपेक्षा भी आर्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि यदा ग्रह ग्रस्त क्वचित हसत प्याक क्रंदते ध्यायति बंदते जन्म मुह स्वसन भक्ति हरे जगतपते नारायणे आत्ममते गतत्रपः नारायण नारायण नारायण। शर्म छूट गई और भगवान के लिए व्याकुल हो करके यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, ऐसा महाराज भगवान की ऐसी खो जाई श्रेष्ठ भक्ति।
अब इसमें बताया कि ये उत्तरस्माद उत्तरस्माद पिछली पिछली भक्ति की अपेक्षा पहली पहली श्रेष्ठ है, मन तम की अपेक्षा रज वाली, रज की अपेक्षा सत्व वाली श्रेष्ठ है, और अर्थार्थी की अपेक्षा जिज्ञासा वाली, और जिज्ञासा की अपेक्षा भी अर्थ वाली श्रेष्ठ है, और ज्ञानी की जो भक्ति है अथवा निर्गुण जो भक्ति है वो तो श्रेष्ठ है ही है, उसको हम इस तराजू में नहीं चढ़ाते हैं। अब इसके बाद बताया कि अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, भक्ति में और साधनों की अपेक्षा सुलभता है। ये सुलभता क्या है? तो भक्ति में एक तो अधिकार भेद नहीं है, माने ये ब्राह्मण करे कि न करे, स्त्री करे कि नहीं करे, क्षत्रिय करे कि नहीं करे, वैश्य करे कि नहीं करे, ये सब अधिकार भेद नहीं। क्या द्विजाति क्या सूत्र, इसको वेश्या भी भज सकती है। भक्ति भाव में वेश्या को भी सुचिता कब तज सकती है? लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में ये तुकाराम जी के अभंग को उद्धृत किया है, उसका हिंदी अनुवाद किया हुआ है। ये तुकाराम जी का असल में तुकाराम जी का पद है कि क्या द्विजाति क्या सूत्र, इसको वेश्या भी बच सकते हैं। अच्छा देखो, भक्ति का रहस्य इतना विलक्षण है कि साधारण रूप से कोई उसको बुद्धिगम्य नहीं कर सकता। एक वेश्या का बेटा है, ठीक वेश्या का लड़का है, अब वो मातृभक्ति यदि करे तो एक सती सावित्री का बेटा अपनी माता की भक्ति करता है और एक वेश्या का पुत्र भी अपनी माता की भक्ति करता है, तो क्या भक्ति के फल में भेद होगा? भक्ति के फल में बिल्कुल भेद नहीं होगा, क्योंकि वो मातृभाव से भक्ति करता है। नहीं तो महाराज पत्थर की पूजा करने वाले सब पत्थर ही हो जाए, स्वामी दयानंद की बात सच्ची निकले ना। फल पत्थर की पूजा का नहीं होता, फल जो उसमें ईश्वर भाव है उसका होता है। तो क्या वेश्या का पुत्र अपनी माता की सेवा मातृभक्ति पूर्ण मातृभक्ति से करेगा तो उसको अब मातृभक्ति का फल नहीं होगा? मातृभक्ति का फल अवश्य होगा। तो भक्ति में भाव की विशेषता है, ये नहीं देखा जाता कि हमारे बाप कैसे, कि हमारी माँ कैसी है ना, कृष्ण कैसे कि राम कैसे, उसमें ईश्वर भाव तुम्हारा जुड़ता है कि नहीं। प्रश्न मुख्य ये है कि तुम्हारे हृदय में मातृ देवो भव पितृ देवो भव, इस स्थिति के अनुसार ईश्वर ने जैसी माँ तुमको दी है वैसी माँ की भक्ति करो, जैसा पिता तुमको दिया है वैसे पिता की भक्ति करो, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। अगर उसको देखने लग जाओगे कि माता पिता एकांत में बंद होके क्या करते हैं तो तुम्हारी भक्ति नहीं बनेगी। ये देखने के तुम नहीं हो, तुम ये देखने के लिए हो कि हमारा हृदय माता पिता की सेवा करके संतुष्ट होता है कि नहीं, इसके लिए। तो एक बात तो यह है कि भक्ति में अधिकार का भेद नहीं है। जैसे बृहस्पति सौ में या राजसूय यज्ञ में, बृहस्पति सौ में ब्राह्मण का ही अधिकार है, राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय का ही अधिकार है, गायत्री में यज्ञोपवीत धारी का ही अधिकार है, इस प्रकार का अधिकार भेद भक्ति में नहीं है। गीध आदि जो है पक्षी जाति के, पिंगला वेश्या है का वो भी, और व्याध जो है ना, व्याध जो है वो निम्न जाति का है तो भी उसको अधिकार है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो रही। अगर कभी वो पापी रहा है तो पापी भी भक्ति का अधिकारी है, अपने अपने अधिकार के अनुसार सब सेवा करते हैं। कोई राह रास्ते में कोई झाड़ू लगा देता है, कोई सड़क पर बंधन वार लगा देता है ना, कोई चंदन पीस के तैयार कर देता है, कोई रोटी बनाता है, कोई पांव दबाता है, कोई पढ़ के सुनाता है, कोई गा के सुनाता है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब मालिक की सेवा करते हैं।
मालिक की सेवा में अनधिकार किसी का नहीं होता है, सब अपनी अपनी योग्यता का प्रयोग मालिक के लिए करते हैं। तो एक तो भक्ति में अधिकार का भेद नहीं है और दूसरे भक्ति में समय का भी भेद नहीं है। सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, आधी रात करो, अपने दिल में भगवान चाहे जब उनके साथ अपने आप को जोड़ ले। उनके लिए कहीं जाने की तो जरूरत है ही नहीं। प्रहलाद ने सप्तम स्कंध में दो श्लोक इस प्रसंग को लेकर कहा है, कोतित प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सत स्वस्यात्मन सख्युरशेष देहिनाम सामान्यतः किम विषयोपपादन ही। सातवें स्कंध में ये प्रसंग आया। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों, उन्होंने दैत्य बालकों के लिए कहा, प्यारे दैत्यों नहीं कहा है, बोले प्यारे भाइयों, भगवान की सेवा में, पूजा में, भगवान के प्रति प्रेम करने में क्या प्रयास है, उसमें कौन कठिनाई, क्या कठिनाई है, कौन सा परिश्रम है, क्यों स्वे हृदि छिद्रवत सता, वो अपने हृदय में ही आकाश के समान रहता है। अगर पराए घर में कहीं रहता हो, सातवें आसमान में रहता हो, कहीं सातवें आसमान में रहता हो तो उस तक पहुंचना कठिन होवे, वो तो अपने हृदय में ही रहता है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अभिमान छोड़ करके और संतों के द्वारा बताई हुई रीति से अपने गले की ओर देखो, देखो भगवान का दर्शन होता है। एक महात्मा बताते थे कि जब सोने लगता है ना, सोने नींद के समय सब काम कर चुके, कोई काम बाकी नहीं, बस सोने सोना, नींद ही नींद लेना बाकी हो, तो लेट गए और आंख बंद करके ये देखने लगे कि हमारे गले में भगवान है, मुस्कुरा रहे हैं, सफेद सफेद दांत उनके चमक रहे हैं, नक बेसर कभी चमक जाते हैं, है ना, कभी बड़ी प्यार भरी आंख से देखते हैं, बड़े सुंदर उनके बाल हैं, कान में कुंडल है, बारंबार सोते समय अपने गले में भगवान को देखने की कोशिश करो, तो जब सो जाओगे तो सपना भगवान का ही आएगा, स्वप्न जब आएगा तब भगवान का ही। दो तीन महीना अगर लगातार ऐसा कोई करे तो स्वप्न भगवान का ही आएगा, स्वप्न में भगवान के दर्शन होते रहेंगे उसके। तो ये बात है कि अपने सुगमता है इसमें, जाति का ख्याल नहीं, पाति का ख्याल नहीं, कर्म का ख्याल नहीं, क्या मुसलमान भगवान का भगत नहीं होता, ईसाई क्या भगवान का भगत नहीं होता है? तो नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऋषि होने की जरूरत नहीं है, देवता होने की जरूरत नहीं है, नालम द्विजत ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा आचारी होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है, न वृत्तम न बहुज्ञता। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, तो प्रियते मलया भक्त्या हरिरण्यत विडम्बनम, भगवान केवल निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और सब विडम्बना है। तो भगवान के नाम बहुत है, चैतन्य महाप्रभु अपने पिछले समय में कभी कभी दुखी हो जाया था, वो कहते थे नामना मकारी बहुधा, नाम तो भगवान ने अपने इतने बना दिए, कोई भी नाम ले लो है? और निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, एक एक नाम में पूरी पूरी ताकत है, और नियमित स्मरणे न काला, कि सुबह करो कि शाम करो, ये कोई नियम नहीं बनाया, इतनी तो कृपा उड़ेल दी भगवान ने, कृपा ही कृपा चारों ओर से। परंतु हमारा भी दुर्भाग्य कुछ कम थोड़े ही है कि भगवान की ओर से इतनी छूट मिलने पर भी भगवान में प्रेम नहीं होता, भगवान के नाम में प्रेम नहीं होता है? अच्छा, भगवान से धोखा खाने का कोई डर तो नहीं है ना, कि बेवफा हो जाएगा बाद में,
संसार में जो प्रेमी होते हैं आज बड़ा प्रेम दिखाते हैं, कल धोखा दे देते हैं। भगवान धोखा तो नहीं देगा, तुम्हारा रुपया पैसा तो नहीं छीन लेगा ना, तुम्हारा धर्म तो नहीं बिगाड़ेगा ना। ऐसा बढ़िया प्रेम करने के लिए सृष्टि में और कौन मिलेगा, अमर होगा ना, कभी तुम्हारा सुहाग बिगड़ेगा तो नहीं ना। तो बड़ा सुलभ है भाई, अन्यस्मात् सौलभ्यम् भक्तो। भक्ति में और साधनों की अपेक्षा सुलभता है। सुलभता क्या है, एक बात आप ध्यान में दो, होम करना हो तो वैसा बर्तन चाहिए, वैसा मंत्र चाहिए, वैसी वेदी चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करना हो तो वैसी बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं होता है वो। ये ऐसा नहीं समझना कि जो लोग शिवोम शिवोम कहने लगते हैं वो ज्ञानी हो जाते हैं। शिवोम शिवोम कहने लगने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, वो तो जैसे और लोग राम राम बोलते हैं वो भी एक बढ़िया बात है ना। राम राम बोलना बढ़िया बात है कि नहीं, राम राम बोलना बढ़िया बात है कि शिवोम शिवोम बोलना भी बढ़िया बात है, लेकिन जैसे राम राम कहने वाले को तुरंत भगवान नहीं मिला ना, अभी कहना पड़ेगा ना उसको बड़े प्रेम से, वैसे शिवोहम शिवोहम कहने वाले को ब्रह्म नहीं मिल गया, उसको अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। ये नहीं समझना कि शिवोहम कहने मात्र से कोई ब्रह्म हो ही गया, कि उसको ब्रह्म ज्ञान हो ही गया। तो सुलभता क्या है, देखो वेदांत में जरूरत है बुद्धि की, और कर्मकांड में जरूरत है जाति की, अधिकार की, योग्यता की, सामग्री की, मंत्र की, ब्राह्मण की, और योगाभ्यास में आसन बांधो, प्राणायाम करो, पीठ की रीढ़ सीधी करो। और भक्ति की विशेषता ये है कि इसमें खास कर्म का नाम भक्ति नहीं है, ऐसे बैठो तो भक्ति है और ऐसे बैठो तो भक्ति नहीं है, ये नहीं। चलना भी भक्ति है, कैसे कहाँ जा रहे हो, कि दर्शन करने जा रहे हैं, मोटे मंदिर जरा जा रहे हैं, माधव बाग जा रहे हैं, नर नारायण जा रहे हैं, वो पांव से चल रहे हो तो क्या कर रहे हो, तो भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, इसलिए वो पांव से चलना भक्ति है। तो रोटी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो रोटी बना रहे हैं, तो काय के लिए बना रहे हो, आज भगवान को भोग लगाना है ना, अन्नकूट है आज, आज अन्नकूट है, भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बना रहे हैं। तो रोटी बनाना भी किसके लिए, उसी के लिए ना। जब उसके लिए काम करोगे तो जो कोई काम, जो कुछ काम करोगे, जो कुछ काम करोगे वही भक्ति हो जाएगी। स्नान कर रहे हैं खूब साबुन लगा के, काय को जरा भगवान के सामने जाना है तो शरीर की गंदगी छोड़ के सामने जाएंगे, तो साबुन लगाना भक्ति है। वो बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं तो बोले काय के लिए, एक तो आज उनके घर जाना, पार्टी में जाना है, इसलिए बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, तो संसार हो गया बोला है। आज भगवान के सामने जाना है तो स्वच्छ हो के नहीं जाएंगे तो कैसे अच्छा लगेगा, तो वो कपड़ा पहनना भी भक्ति हो गया। माने भक्ति में वस्तु की जरूरत नहीं है बोला, उसमें फूल तुम्हारे हाथ में जो है वो गुलाब का ही हो ये जरूरी नहीं है, डगर के फूल से भी काम चल जाएगा बोला। और पांच रुपए तुम्हारे हाथ में ये जरूरी नहीं है, अरे एक नए पैसे से भी काम चल जाएगा, दो किशमिश से भी काम चल जाएगा, दो चने से भी, और वो भी नहीं हो तो हाथ जोड़ने भर से भी काम चल जाएगा, है ना। क्योंकि भगवान के दरबार में कुछ कमी तो है नहीं कि चीज से भक्ति पूरी होती हो, वो तो तुलसी दल मात्रेण जलस्य तुरुके नवा, तुलसी का एक दल या एक चुल्लू पानी, विक्रीणीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, भगवान ने अपने भक्तों के हाथ अपने को बेचने के लिए कुछ कीमत रख दी है। भगवान ने सोचा कि ऐसे हम भक्तों को देते जाएंगे तो भक्त लोग कहेंगे कि मुफ्त में भगवान मिल गए, तो ये सचमुच नहीं मिले। ये हम लोग किताब बांटते हैं ना, मुफ्त में किसी को दे देते हैं तो लोग फाड़ के फेंक देते हैं, तो या तो कोने में ले जाकर रख देते हैं, कभी पढ़ते नहीं। थोड़ी सी कीमत रखना चाहिए, थोड़ी कीमत, एक पैसा भी चुकाते हैं तो कहते हैं भाई एक पैसा लगाए जरा देखो तो इसमें है क्या। तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल मुफ्त तो अपने को रखेंगे, तो ये दुनियादार लोग कीमत नहीं करेंगे,
तो कुछ कीमत अपनी रखो। तो क्या रखा? बोले तुलसी दल मात्रेणा, तुलसी का एक दल, ये भगवान की कीमत है। और जलस्य चुरुकेन वा एक चुल्लू पानी, विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, भगवान अपने भक्तों के हाथ इसी कीमत पर बेचते हैं, क्योंकि भक्त वत्सल है, भक्त वत्सल। तो भाई खरीदना चाहता है कोई भगवान को, आज भगवान बिकने को बाजार में आए हैं, है ना? बाजार में आए हैं, भगवान कहते हैं कोई लेगा, गोपियां तो बेचती हैं, गोपियां जब दही दूध लेके चलते हैं सिर पर, तो ग्वालिनी प्रगट्यो पूरन ने तदि भाजन सिर पे लिए हो, कहत गोपाल ही ले हो, है ना? हाँ, सिर पे है दही, तो बोलना चाहिए कि दही लो दही, और वो बोलती है गोपाल लो गोपाल, है ना? छाछ लो नहीं, श्याम लो श्याम लो, बोला छाछ की जगह पर श्याम बिक रहे हैं। तो गोपियां तो बेचती हैं, भगवान भी अपने को बेचते हैं, तो सुलभता भगवान के लिए कोई क्रिया की जरूरत नहीं, प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, आसन बांधने की जरूरत नहीं, आगे बैठने की जरूरत नहीं। ये देखो कि जो तुम काम कर रहे हो वो काम किसके लिए कर रहे हो, इतने ही देखना है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये जो हमारे घर में रोटी बन रही है वो भगवान को भोग लगाने के लिए कि अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए? ये जो हम सवर के चिकने चुपड़े हो करके बाजार में निकलते हैं, ये भगवान को खुश करने के लिए हैं कि लोगों को अपना वैभव और अपना सौंदर्य दिखाने के लिए? किसके लिए ये प्रश्न ये है, किसके लिए ये तुम्हारा चलना, किसके लिए तुम्हारा बोलना, किसके लिए तुम्हारा देखना, किसके लिए? भक्ति में सुलभता ये है कि जैसे तुम हो वैसे ही रहो, परंतु उसका उद्देश्य बदल दो, वो होने लग जाए भगवान के लिए। अन्यस्मात् सौलभ्यम् भक्तौ, ज्ञान में जहाँ बुद्धि की जरूरत है, श्रवण करो, मनन करो, निधि ध्यान करो, तदाकार वृत्ति करो, योग में जहाँ प्राणायाम प्रत्याहार की जरूरत है, उसमें भी विघ्न बहुत है, सिद्धियां आ जाए तो भी विघ्न है, और करने में गलती हो जाए तो भी विघ्न है, धर्म में भी विघ्न बहुत है और प्रत्यवाय बहुत है, और ज्ञान में असंभावना, विपरीत भावना, संशय, विपर्य, अनेक प्रतिबंध हैं। परंतु भक्ति महाराज, अगर तुम्हारे दिल में सफाई है कि हम ये कर तो उन्हीं के लिए रहे, तो ये बात बस अपने दिल से पूछो, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, दिल से पूछो कि तुम उनके लिए ये काम करते हो कि नहीं, तुम ये काम किसके लिए कर रहे हो, ये प्रश्न है। यही सुलभता इसमें है कि यदि ये बात बन गई कि हम भगवान के लिए घर में झाड़ू लगा रहे हैं, सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं, क्यों? कई रास्ते भगवान आवेगा, जैसे सबरी रोज लगाती थी, है ना? वे रोज फल फूल ले आते हैं, काय के लिए? का उसके लिए, वो हमारे घर आज आवेगा इसके लिए, का उसको भोग लगाएंगे, वो हमको देख करके प्रसन्न होगा, वो आवेगा और देखेगा। गोपियों के घर में हो, वर्णन आया है शास्त्र में, भगवान के गए बरसों हो गए, मथुरा गए बरसों के लिए, परंतु गोपियां रोज उठ के अपने घर की, तो मकड़ी का जाला कहीं नहीं लगा था गोपी के घर में, बोला रोज सफाई और रोज झाड़ू लगाना और रोज लीपना और रोज दरवाजे पर चौका चौका पूरना, रोज मक्खन जैसे श्याम सुंदर के लिए पहले रखते थे वैसी रखते थे, आज आवेगा, है ना, तो सीधे मेरे घर में आवेगा, है ना, और उसको देखेगा कि मकड़ी का झाला है तो कहेगा फू अड़े गोपी, है ना, अपना घर भी साफ नहीं रखती, वो देखेगा कि आज इसके घर में मक्खन नहीं है तो बोलेगा कि अरे ये गरीब हो गई, वो देखेगा कि उसके माथे पर बिजली नहीं है और उसकी उसका घाघरा जो है वो चमकता हुआ नहीं है, तो उसके मन में बड़ा दुख होगा कि मेरे बिना गोपी को बड़ा कष्ट हुआ है। रोज वैसी रहती है, रोज वैसी रहती है वो। हमने तो एक स्त्री देखी, ये भगवान की बात भक्ति की नहीं करता हूँ, संसार में देखी, और मैं समझता हूँ कि जब से होश हुआ था तब से देखा, और मेरे सामने वो जिंदा ही थी जब मैं वो गांव छोड़ के आया,
का पति कहीं गया था परदेश, फौज औज में गया था कहीं, मर गया हो, तो मर गया, आप लोगों ने उसको जला दिया। उसके पास खबर आई कि तुम्हारा पति मर गया। अब उसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि हमारा पति मर गया हो, मान ही नहीं हो। तो जैसे अपने पति के रहने पर वो सिंदूर बोलते हैं और सिंदूर ऊपर ऊपर सिंदूर लगाते हैं, सिर में सिंदूर लगाते हैं और वो चूड़ी मरा और वो रंगीन साड़ी, जैसे वो अपने पति की उपस्थिति में पहनती थी। मैंने कम से कम 20 बरस उसको देखा, उसके इंगूर में, सिंदूर में, चूड़ी में, साड़ी में कोई फर्क नहीं हुआ। वो रोज पागल हो गई थी, है ना, वो लोगों की दृष्टि में तो कोई और काम नहीं करते थे, लोगों की दृष्टि में पागल हो गई थी, परंतु मैंने 20 बरस करीब करीब लगातार देखा, उसकी रहनी में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो यही कहती थी कि हमारा पति मर नहीं सकता, जिंदा है और वो आ जाएगा, आज ही आने वाला है, आज ही आवेगा। और 20 बरस आज आज करके उसने काट दिया, मेरे सामने मरी नहीं थी, परस को मर गई। भला एक संसारी पति के लिए एक स्त्री 20 बरस तक ऐसी रहनी रख सकती है, तो आप सोचो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारी कैसी रहनी होनी चाहिए। हमारा वही तो पति है ना, आज आता है, आज आता है, आज मिलता है, वो प्रेम की मूर्ति है, वो परम प्रियतम है, प्राणों से भी प्यारा है, श्रेष्ठतम है। ये सुगम है कि अपना भाव बना करके बैठ जाओ, फिर बाद का काम सारा भगवान को ही करना पड़ेगा। अच्छा, आप इस प्रसंग को कल के लिए रखते हैं।